नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है। आईएएस स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रश्नों के उत्तरों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें ये क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक होगा वो होगा पंचायती राज से संबंधित। जितने भी प्रश्न हैं वो पंचायती राज, लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इन प्रश्न और उत्तरों के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि और जो चैनल वीडियो के नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा होगा उस पर क्लिक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि उसको क्लिक करने से क्या होगा कि हमारे वीडियो जितने भी अपलोड, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आप ये और भी वीडियो दोबारा पाना चाहते हैं तो उस घंटी को क्लिक करेंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचेगी। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि एक पटवारी का संबंध होता है, एक जो पटवारी होता है जो जिसके अंडर में जो है कुछ पंचायतें होती हैं, उन पंचायतों के जो भी मतलब वहाँ की कृषक होते हैं, वहाँ की जो जमीन होती है उससे संबंधित पटवारी का कार्य होता है। तो पटवारी का संबंध होता है कायसे होता है, वो पटवार और हलके से होता है। जितने भी मतलब जमीन आदि से संबंधित, जितने भी राजस्व से संबंधित कार्य होते हैं वो पटवारी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना शुरू की गई। तो दीनदयाल अंत्योदय जो उपचार योजना है वह 2004 से शुरू की गई, जिसमें जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत जो है जैसे किसी व्यक्ति का दीनदयाल अंत्योदय जो है कार्ड बना है तो उसको क्या है उपचार के लिए कुछ राशि प्रदान की जाती है और यह राशि जो है लगभग 1 लाख तक हो सकती है, जिससे कि वह अपना उपचार करवा सके। तो यह योजना जो है वह 2004 से वो हुई थी, शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। जो भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं वो राज्य सूची से संबंधित होते हैं, अर्थात भूमि सुधार से संबंधित विषय राज्य सूची में वर्णित है और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या शामिल है। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है उसमें बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें और आवास प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि धूसर क्रांति का संबंध है। धूसर जो क्रांति हुई थी उसका संबंध कैसे है, वो है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक का जो उत्पादन होता है वह धूसर क्रांति के अंतर्गत आता है और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा समोच्च कृषि किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो इसका उत्तर अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समोच्च कृषि जो है उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी विश्व विंध्याचल योजना कब शुरू की गई। जो कस्तूरबा गांधी विंध्याचल योजना का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2005 में। नेक्स्ट, नाबार्ड किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जिसे कि नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। यह जो है बहुत ही मतलब सहायक संस्था मानी जाती है जो कि ग्रामीण वित्तीय विकास, ग्रामीण विकास हेतु क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है, वित्तीय सहायता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा शिमला, शिमला में। और अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर होगा वैकल्पिक ऊर्जा से कृष्ण क्रांति का संबंध है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें जो है सभी प्रकार की फसलों को उगाया जा सकता है और इससे जो है फसल बहुत अच्छी आती है। तो काली मिट्टी जो होती है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार है। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका उत्तर है मुरैना। मुरैना जो जिला है वो सर्वाधिक अपरदन से क्या है ग्रसित है और यहाँ से जो चंबल नदी निकलती है आए दिनों जो है वर्षा ऋतु में जो है यहाँ पर बाढ़ आती रहती है और बहुत ही बीहड़ बनाती हुई चंबल नदी
यहां से निकलती है। यहां पर बाढ़ जो है चंबल नदी से प्रभावित होते हैं लोग, तो मृदा अपरदन भी होता है इस नदी के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा कुआं, और जो नलकूप होते हैं वह राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन माने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका उत्तर जो होगा होशंगाबाद। होशंगाबाद जो जिला है वह जो है यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। काली मिट्टी का विस्तार, कछारी मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है होशंगाबाद में, और गेहूं का सर्वाधिक विस्तार यहाँ पर होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो इसका उत्तर है उज्जैन जिला में। उज्जैन जिला में, और जो सोयाबीन स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, और जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो इंदौर में है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है उज्जैन में, और अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में। राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान था? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक सेवा का जो क्षेत्र है वह 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान रखा गया था। और मध्य प्रदेश के कितने जिले मनरेगा योजना के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर होगा 51। सभी 51 जिले हैं जो मनरेगा योजना के अंतर्गत आते हैं। जिससे कि जो है जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो इसका उत्तर होगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहां स्थापित की गई? तो इसका उत्तर होगा इंदौर में। भारत की जो जैविक खेती इकाई कहां स्थापित की गई थी? इंदौर में। और हम आपको बता दें कि जो जैविक खेती की शुरुआत की गई थी वो सर्वप्रथम जो है मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी जैविक खेती की। और जैविक खेती की जो सर्वप्रथम जो इकाई स्थापित की गई थी वो कहां की गई थी? इंदौर जिला में। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? वही अशोक मेहता समिति है जिसने द्वि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। और राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा 2006 में। और अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले गांव को पेयजल की सुविधा दी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 1000 जनसंख्या वाले गांव को पेयजल की सुविधा दी जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी कपास की खेती हेतु क्या होता है? उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, बीएम ब्यास समिति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित जो समिति बनाई हुई थी वो समिति का नाम था बीएम ब्यास समिति। नेक्स्ट है, थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा काजू। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादन राज्य में कौन सा है? सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन किया जाता है। और भारतीय किसानों को वित्तीय सहायता हेतु अल्पकालीन लोन कितनी अवधि हेतु दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 15 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमा कल्चर किसका पर्याय है? तो इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकीय कृषि का पर्याय माना जाता है परमा कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना राज्य में कब से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है? तो इसका उत्तर होगा 2006 से। नेक्स्ट, प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सोयाबीन को प्रमुख व्यापारिक फसल माना जाता है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रतलाम जिला में जो है अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 0.25 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि मानी गई है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जबलपुर में। और अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 में जो की शुरुआत हुई थी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को अनाज उपलब्ध कराना अन्नपूर्णा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सागौन। सागौन का वृक्ष जो है सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। और
राज्य के किस अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर वो रातापानी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वानिकी हेतु प्रोत्साहन योजना पंचवन योजना कब से शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा 1975 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 1994 में। और राज्य में नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1961 में। नेक्स्ट है, राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 1964 में। और राज्य योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। और भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी पंतनगर में। नेक्स्ट है, झूमिंग खेती मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग खेती का प्रचलन है। और अगला क्वेश्चन होगा, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था, जिसके की प्रारंभकर्ता थे कौन? विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस फसल में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मक्का में। नेक्स्ट है, बेसाल्ट चट्टानों से किस मृदा का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी का। और जड़ोल मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 7 से अधिक। मालवा के पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक जो मालवा क्षेत्र रिच माना जाता है। और राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा उज्जैन में। उज्जैन में जो है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है और शुद्ध जो कृषि भूमि है वो है उज्जैन में। चावल का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका उत्तर होगा बालाघाट जिले में। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा उज्जैन जिले में सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना है एशिया का। अफीम का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका उत्तर होगा मंदसौर में। और अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया। और कृषि विकास योजना अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना कब से शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा 2000 और 2001 में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई थी, जिससे जिसका की जो मुख्य उद्देश्य था कि जो टाइगर होते हैं उनको संरक्षण प्राप्त किसी एक विशेष क्षेत्र को संरक्षित करके वहां पर टाइगरों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उनकी देखभाल उनकी सारी जो है व्यवस्थाएं वहां पर की जाती है प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत। तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य क्या है, कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो इसका उत्तर होगा 50% आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को ग्राम पंचायतों में। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा नीमच में। सर्वाधिक जो है सबसे पहले क्या किया गया, राज्य प्रथम ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया जो झातला ग्राम है नीमच का, वहां पर एक ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पीबी सिंघल साहब जो है राज्य के प्रथम लोकायुक्त माने गए। और नीली क्रांति संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है, IR36 किस फसल की प्रजाति है? तो इसका उत्तर होगा धान की प्रजाति मानी जाती है IR36, IR64 और RI64, IR36 ये सब धान की फसलें हैं। यूरिया खाद से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरिया खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट है, एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो इसका उत्तर होगा 2.47 एकड़ के बराबर होता है एक हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कपिलधारा योजना का ध्येय क्या है? तो इसका उत्तर होगा कृषि भूमि हेतु सिंचाई उपलब्ध कराना। कपिलधारा योजना जो प्रारंभ की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि सिंचाई उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसे कि मनरेगा का नाम दिया गया था, मैं एक अकुशल मजदूर को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का रोजगार की गारंटी है? तो इसका उत्तर होगा 100 दिन की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम कब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा 2009 में। मनरेगा से संबंधित जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और अगर रोजगार ना मिलने पर जो भी मजदूर होते हैं उनको रोजगार भत्ता की का भी प्रावधान है, जिसका की प्रारंभ हुआ था 2009 में।
सॉरी 2009 में इसका नाम मनरेगा का क्या कर दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भारत में कब से शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई हेतु रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी, तो इसका उत्तर होगा बलराम ताल योजना का शुभारंभ किया गया था। बलराम ताल योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका उत्तर होगा 25 मई 2007 को बलराम ताल योजना का प्रारंभ किया गया। और डीएपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा डाई अमोनियम फास्फेट, इसका पूरा नाम है डीएपी का। नेक्स्ट है, जीरा की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा गुजरात। भारत में कृषि वर्ष की अवधि क्या है, तो इसका उत्तर होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर कृषि वर्ष की अवधि मानी जाती है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन से जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, जिसके की जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब। और श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो इसका उत्तर है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो होता है उज्जैन में। जमुनापारी किस पशु की किस्म है, तो इसका उत्तर होगा बकरी की। जमुनापारी जो किस्म है वह बकरी की। नेक्स्ट है, साहिवाल किस पशु की किस्म है, तो इसका उत्तर होगा गाय की किस्म है साहिवाल। बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई, तो इसका उत्तर होगा लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था बालकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई, तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2007 को यह योजना का शुभारंभ हुआ। बीजों की श्रृंखला में सर्वोच्च अनुवांशिक शुद्धता किस में होती है, तो इसका उत्तर होगा प्रजनक बीज में होती है सर्वाधिक अनुवांशिक शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी पाया जाता है आंवले में। और कड़कनाथ किस पशु की किस्म है, तो इसका उत्तर होगा मुर्गा की। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस फिल्म में ग्रामीण भारत के किसानों की समस्याओं का वर्णन किया गया है, तो इसका उत्तर होगा 2 बीघा जमीन में ऐसी फिल्म है जहां पर ग्रामीण भारत के किसानों की समस्याओं को उजागर किया गया है, वर्णन किया गया है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें की भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा महू इंदौर के पास जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म भी महू में ही हुआ था। नेक्स्ट, पीसीओ का पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा पब्लिक कॉल ऑफिस जो है पीसीओ का पूरा नाम माना जाता है। और ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 1974 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य व जिले के बीच समन्वयक कौन होता है, तो इसका उत्तर होगा जिलाधीश। राज्य व जिले के बीच में जो समन्वयक होते हैं वो होते हैं जिलाधीश साहब। नेक्स्ट है, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका उत्तर होगा सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता थे, तो इसका उत्तर होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है, 243 अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों से संबंधित जो है प्रावधान है। और जिला नियोजन समिति का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो इसका उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन के तहत जिला नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहां स्थापित किया गया, तो इसका उत्तर होगा जबलपुर में, जो कि 1864 में स्थापित किया गया था नगर निगम। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कहां स्थापित की गई, तो इसका उत्तर होगा दतिया 1907 में। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है, तो इसका उत्तर होगा विस्तार अधिकारी। किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा 1959-64 को उत्थान काल कहा जाता है। जबकि किस समय काल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा 1965 से 1968 को ठहराव काल कहा जाता है। और किस समय काल को पंचायती राज का हरास काल कहा जाता है, तो इसका उत्तर 1969 से 83 को हरास काल कहा जाता है पंचायती राज का। अगला क्वेश्चन, किस समय काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है, तो इसका उत्तर 1983 से आगे के काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है। और नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा रूस से लिया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहां स्थापित किया था? तो इसका उत्तर वो चेन्नई में 1887 में। अगला क्वेश्चन है, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वो हजार गलतियां करें, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर वो जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया? तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने यह बताया कि पंचायती राज प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला, यह कथन किस कमेटी का है? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति का यह कथन है। नेक्स्ट है, एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध केवल उन्हीं लोगों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, यह कथन किस कमेटी का है? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी का। जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का राजनीतिक और विकास संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, यह कथन किस कमेटी का है? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल पंचायत की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? तो इसका उत्तर अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश पर मंडल पंचायत की स्थापना की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। से विकेंद्रीकरण से आशय है कि सत्ता का पृथक्करण, सत्ता की जो शक्ति, शक्ति का पृथक्करण कैसे, जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें सत्ता का पृथक्करण है, एक जिला लेवल पर अलग सत्ता का सत्ता स्थापित की गई, उसके बाद तहसील या जनपद पंचायत के लेवल पर ग्राम पंचायत के, तो यही है सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मेयर। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है या महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई? तो इसका उत्तर होगा 1993 को। नेक्स्ट, कृषि लागत व मूल्य कहां आयोग स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? तो इसका उत्तर होगा गेहूं का। हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? तो इसका उत्तर होगा चावल में। और पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 13। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। और नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर होगा कृषि कार, स्वास्थ्य व समाज कल्याण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गांव में सामाजिक स्त्रीय का प्रमुख आधार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा जाति। नेक्स्ट, गांव में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति क्या का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा अशिक्षा, बाल विवाह व पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल व न्यायिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर में। राजस्व मंडल व न्यायिक मुख्यालय है ग्वालियर में। नेक्स्ट, देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? जिसका की उत्तर है 1998 में। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा कुछ राशि आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित दी जाती है, यह राशि को आपको कृषि कार्यों में जो है उपयोग करना होता है, उसके बाद इस राशि को जमा कर पुनः आपको यह राशि आवंटित कर दी जाती है, और इसी प्रकार से जो है आप अपनी कृषि व्यवस्था को प्रारंभ कर सकते हैं, किसी कृषि उद्योग से संबंधित उद्योग लगा सकते हैं कृषि से संबंधित। तो यह क्रेडिट कार्ड जो योजना प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1998-99। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो इसका उत्तर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में, नाबार्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देता है? तो इसका उत्तर अल्पकालीन और मध्यकालीन लोन देता है। नेक्स्ट है, अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? तो इसका उत्तर अधिकतम 15 माह होती है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन लोन की अवधि क्या होती है? तो इसका उत्तर 15 माह से 5 वर्ष होती है मध्यकालीन लोन की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा जिला स्तर पर कार्य करता है केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसका उत्तर होगा 66%। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर अप्रैल 1999 को
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। और अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि जो कृषि फसल होती है वह अलग अलग फसल का अलग अलग टाइम होता है, तो उस टाइम के अंतर्गत जो है लोग कृषि करते हैं, बाकी के टाइम में बेरोजगार रहते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। राष्ट्रीय बीज निगम का क्या कार्य है, तो इसका उत्तर होगा उन्नत बीजों का उत्पादन करना और वितरण करना राष्ट्रीय बीज निगम का प्रमुख कार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, तो इसका उत्तर गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही है। और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कहां पर होता है, तो वो होता है होशंगाबाद में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो इसका उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई, तो इसका उत्तर पंतनगर में की गई। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका उत्तर होगा पंतनगर में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें कुछ क्वेश्चनों को जो है जानबूझकर डबल किया गया है, तो क्योंकि आपको वो याद हो जाए। और अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु शक्ति किससे पास है, तो इसका उत्तर होगा पंच के पास है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की कोई समिति कितने व्यक्तियों को संयोजित कर सकती है, तो इसका उत्तर है दो व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, किसी पंच या सरपंच को वापस बुलाने हेतु नियत बैठक में मतदान कैसे होता है, तो इसका उत्तर गुप्त मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो इसका उत्तर हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, प्याज की बुवाई कब होती है, तो इसका उत्तर अक्टूबर नवंबर में प्याज की बुवाई की जाती है। और सहारनपुर छह किस फसल की प्रजाति है, तो इसका उत्तर होगा आलू की। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका उत्तर होगा 25-33% जो होती है मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा। नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई, तो इसका उत्तर होगा जुलाई 2000 में नई कृषि नीति की घोषणा की गई थी। झूमिंग खेती भारत के किन प्रदेशों में होती है, तो इसका उत्तर होगा पूर्वोत्तर राज्यों में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका उत्तर होगा बालाघाट में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई, तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना का प्रारंभ किया गया। और मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय झांतला गांव में प्रारंभ की गई 2001 में। झांतला किस जिले में है, तो इसका उत्तर होगा नीमच में। भारत में प्रति वर्ष कृषक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। और अगला क्वेश्चन, वह फसल जो रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा जायद की फसल कहलाती है। वह फसल जो रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, गर्मियों में लगभग जो है यह फसल बोई जाती है। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर होगा जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। और किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, तो इसका उत्तर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था, हमने आपको बताया था कि सत्ता का कैसे विकेंद्रीकरण, तो आप समझ गए होंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण ही तो किया गया है। पहले जिला स्तर पर, फिर तहसील और फिर पंचायत स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो इसका उत्तर होगा भाग 9 में। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो इसका उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो इसका उत्तर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है पंचायती राज की। और बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन है, तो इसका उत्तर होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसका की दूसरा नाम है जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर। और पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था, तो इसका उत्तर होगा अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा ग्राम प्रधान। और पंचायती राज विषय किस सूची में है, तो इसका उत्तर होगा राज्य सूची में। और किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, तो इसका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को जो है ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों
पर आरक्षण दिया गया और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं, तो इसका उत्तर होगा सरकारी अनुदान पर। अगला क्वेश्चन है कि एक विकासखंड पर पंचायत समिति कैसी होती है, तो इसका उत्तर होगा एक प्रशासकीय अभिकरण। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया, तो इसका उत्तर होगा चेन्नई में। और ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर होगा मेला व बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्तर माना जाता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान प्रणाली वाले चुनाव का जो है प्रावधान किया गया है। और पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है, तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट है, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है, तो इसका उत्तर प्रखंड स्तर पर होता है। और यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, तो इसका उत्तर होगा 6 माह के। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं, तो इसका उत्तर होगा सरकारी अनुदान पर। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के कितने सदस्य जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा 5 सदस्य। और राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, महानगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा महापौर, जिसे कि मेयर भी कहा जाता है। और भारत में ग्राम सभा वर्ष मनाया जाता है, तो इस मनाया गया, तो इसका उत्तर होगा 2009-10 में। नेक्स्ट है, ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने की सलाह किस समिति द्वारा दी गई, तो इसका उत्तर होगा LM सिंघवी समिति द्वारा पुनर्जीवित करने की सलाह दी गई ग्राम सभा को। नेक्स्ट है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में किस वर्ष संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से व कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, तो इसका उत्तर होगा 1997। पंचायतों को लिटिल रिपब्लिक किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉप ने लिटिल पब्लिक कहा था पंचायतों को। नेक्स्ट है, ब्लॉक पंचायत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा पंचायत समिति के नाम से, ग्राम जनपद पंचायत के नाम से। और GK B राव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 1985 को। पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए, यह सुझाव किस समिति ने दिया, तो इसका उत्तर होगा अशोक मेहता समिति ने। राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए, अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया। और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा ग्राम सभा को। भारतीय संविधान का भाग 9 का किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा नगर पालिकाओं से। और कौन नगर निगम का अंश नहीं है, तो इसका उत्तर होगा महापौर। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा नगर पालिकाओं से। और नगर पालिकाओं का कार्यकाल होता है, तो वो होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था, तो वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है, तो वो है 243 के। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। और पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ष सरपंच के लिए भी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को किस दिनांक को पारित किया गया, तो इसका उत्तर होगा 25 जनवरी 1994 को। और ग्राम पंचायत स्तर के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव किस रीति से हो, अर्थात प्रत्यक्ष होना है या अप्रत्यक्ष, यह कौन तय करता है, तो इसका उत्तर होगा राज्य का विधानमंडल। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्ट किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है, तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में। और जिला पंचायत का सभापति जिलाधीश होना चाहिए, यह सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, तो इसका उत्तर होगा 1 जून 1993 को। और मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन है, तो इसका उत्तर होगा झांतला, जो कि नीमच में है। और मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो वो किया गया था 1 फरवरी 1994 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की अवधारणा की सिफारिश किसने की, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% करने हेतु किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, तो इसका उत्तर होगा 243 D में। जो है यह संशोधन किया गया था कि महिलाओं को पंचायती राज के अंतर्गत 50% आरक्षण प्राप्त हो, अनुच्छेद 243 D में संशोधन किया गया था। GBK राव समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका उत्तर 1885 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ। और ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु राज्य को निर्देश संविधान के किस भाग में है, तो इसका उत्तर होगा भाग 4 में। मध्य प्रदेश में एकत्रित मसाला फसल योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया जाता है, तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा। और नगर निगम का राजनीतिक प्रशासन कौन होता है, तो इसका उत्तर होगा महापौर।
स्थानीय सरकार को प्रांतों का विषय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। और दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने लगभग 150 के आसपास जो है प्रश्नों को पढ़ा। इन 150 प्रश्नों में कुछ प्रश्नों को रिपीट किया गया और कुछ ऐसे प्रश्न रखे गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में जरूर आते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, व्हाट्सएप पे इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अपना नंबर कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, हम आपको चैनल से जोड़ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर सर्च करें स्टडी ट्रिक, जहां पर हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है, तो आप स्टडी ट्रिक से जुड़ें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।